एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती देश और दुनिया में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर देश और दुनिया में विभिन्न आयोजन हुए। जिलों की नगरी उदयपुर में हुए आयोजन में नेता प्रतिपक्ष राजस्थान गुलाबचंद कटारिया ने जहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर डांट फटकार भी लगाई, तो पंडित जी की जीवनी और गाथा सुनाते कटारिया जी रो पड़े। क्या कहा कटारिया जी ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सादगी पूर्वक जीवन और एकात्मवाद के प्रणेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजन हुए और जिलों की नगरी उदयपुर में भी आयोजन हुआ। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ उनको पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल जी के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सके इसके लिए गीत भी गाए गए। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, सन्नाटों में सरगम हम बन जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। पंडित दीनदयाल जी की सादगी की गाथा सुनाते जहां कटारिया रो पड़े, वहीं भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर खूब डांट फटकार भी लगाई। और अपने जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का प्रयास किया, विचारधारा के प्रति जोड़ने का प्रयास किया, लेखनी से भी और व्यक्तिगत आचरण और जीवन से। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं, देश का सौभाग्य है, अभी तक तो जब कभी भी देश संकट में आता है तो कोई न कोई व्यक्ति अवतरित होता है। अगर राम का अवतरण हुआ तो राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए राम ने अवतार लिया। कृष्ण का भी जन्म हुआ तो उस प्रकार की शक्तियों को नष्ट करने के लिए और देश का जो अतीत है, गौरव है, वो बना रहे, उसके लिए प्रयत्न किए। अगर महाराणा प्रताप भी पैदा हुए तो देश की स्वाधीनता और संस्कृति का दीप जलता रहे, इस बात के लिए जंगल जंगल घूमना स्वीकार किया, लेकिन इस देश के अस्तित्व को बचाने का प्रयत्न। अगर शिवाजी भी आया तो मैं सोचता हूँ जीजाबाई ने अपनी गर्व से एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया जो उस समय होने वाले जुर्मों से लड़ सके और इस महान संस्कृति को बचा सके। गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए तो भी इसी कारण कि अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को दीवारों में चुना जा रहा है, लेकिन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न करते थे। और आज ये यात्रा यहाँ तक जो आ गई है उसमें इन सब महापुरुषों का योगदान है, जिसके कारण से इस देश की महान संस्कृति और इस को जिंदा रखा। मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद भी और देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी इस प्रकार से प्रयत्न चल रहे थे। ऐसे समय में 1916 में, अर्थात आज़ादी के पहले, और सौभाग्य है कि डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में ही संघ की स्थापना कर दी। प्रभु भी किसी व्यक्ति को जब गढ़ने का प्रयास करता है तो खूब चोटें मारता है और उस चोटों में से ही व्यक्ति तैयार होता है। अगर भगवान राम को वनवास नहीं देते और सीता के साथ वन में नहीं जाते तो शायद दुष्टों का नाश होने का समय नहीं आता। तो ये भी रचना कोई न कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस प्रकार की रचना करती है। मैं सोचता हूँ दीनदयाल जी के जीवन की रचना भी कोई प्रभु की असीम कृपा से हुई है ना। एक तरह से उनका लालन पालन भी एक खानाबदोश की तरह से हुआ। शायद ऐसा मैंने कोई जीवनी नहीं पढ़ी
जिस जीवनी में किसी व्यक्ति को अपने बचपन में एक के बाद इतनी चोटें लगी हो और एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश की तरह से अपना जीवन बदलता रहा, तो 2.5 साल की उम्र में माँ की मृत्यु हो जाती है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु 7 साल में होती है। पिताजी के जाने के कारण से जो दुख और दर्द हुआ, उस घुटन से उसको टीबी हो गई माताजी, और माताजी का स्वर्गवास भी टीबी में हो गया। 2 साल 2.5 साल में पिताजी का जाना, फिर 7 साल की उम्र में माँ का जाना, मानो काल उसको चोट मार मार करके उसको समझा रहा है कि मनुष्य क्या होता है। 9 साल की उम्र में चुनीलाल जी जो उसके नाना जी थे, नानकिया में जिसका पालन पोषण कर रहा था, उनकी भी मृत्यु हो जाती। 11 साल में उनकी मामी की भी डेथ हो जाती और 18 साल की उम्र आते अपना छोटा भाई शिव दयाल, जो इनसे 2 साल छोटा ही था, उसकी भी बीमारी में मृत्यु हो जाती। इसका मतलब ईश्वरी शक्ति ने उसको इतनी चोटें मारी कि वो समझ नहीं पाया कि मनुष्य आता क्यों है और जाता क्यों है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है। ये सारे जो कुछ भी घटनाक्रम चलते हैं, इसको उसने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। हम पर किसी पर ये चोट गुजर जाए तो हम दम तोड़ करके अपना है पहुँचता ही बुलंद होने के बजाय नष्ट हो जाता है। लेकिन इस बालक में प्रभु ने कुछ शक्ति दी थी कि हर चोट ने उसको मजबूत किया और उस मजबूती में उसको एक विलक्षण बुद्धि थी। ये पहला बच्चा है जो 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गया। कारण क्या है कि स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। ये जीवन के इतने उठापटक आते रहे, इस उठापटक में वो और उसके परिवार वाले समझ ही नहीं पाए कि हो क्या। पहली बार उसको गंगापुर में 3 क्लास में एडमिशन दिलाया, प्रारंभिक शिक्षा गंगापुर में। फिर उसके बाद उसके मामा का ट्रांसफर हो गया कोटा, कोटा से ट्रांसफर हो गया राजगढ़, राजगढ़ से ट्रांसफर होकर के आया सीकर, और सीकर में वैसे तो उसकी प्रतिभा, जब भी उसने परीक्षाएं देना शुरू किया वो हमेशा टॉप रहे, लेकिन पहली बार उनकी प्रतिभा है इसको जग जाहिर होने का मौका अगर किसी ने दिया तो कल्याण हाईस्कूल, जो सीकर महाराजा के द्वारा चलाया जाता था उस समय, उस कल्याण हाईस्कूल में जाकर के ये जान पाए लोग कि वास्तव में ये कोई विलक्षण बुद्धि का बच्चा है। मतलब उस समय जो राजपूताना बोर्ड था उसमें उसने टॉप ही नहीं किया, तो पुराना जितना रिकॉर्ड था टॉप करने वालों का, उस सारे रिकॉर्ड को बीट कर दिया। महाराजों को लगा एक मेरे कल्याण हाईस्कूल में ऐसा बच्चा कौन है जो इतनी भयंकर प्रतिभा से संपन्न है। मैं अपने वहाँ के जो प्रिंसिपल हेडमास्टर थे उनको कहा कि उस बच्चे को लेकर के मेरे राजभवन में आओ, मैं देखना चाहता हूँ। बुलाया तो इतना बुला पत्ता, शरीर पे कपड़े भी व्यवस्थित नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से हाथ फिराया और कहा बेटा मांगो क्या चाहते हो, उसने कहा आपका आशीर्वाद चाहते हो। ये भी कोई विलक्षण बुद्धि ईश्वर पैदा करता है। तो दंग रह गए इस बच्चे के बारे में, जो जानकारी थी जिसके माता नहीं है पिता नहीं है, इसके ये अपने मामा नाना घूमता हुआ आ रहा है, और उसके बाद भी जब इससे मैंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो तो ये कहता है कि केवल आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तब वो वास्तव में उन्होंने देखा इस विलक्षण बच्चे को हमें इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी थी, और इसलिए 10 रुपया वो जी भा उस समय 10 रुपया बहुत बड़ी बात थी, हर महीना 10 रुपया वजीफे के रूप में मिलेगा और उसके एक तरह से 250 रुपया एक साथ उनको दिया था तुम्हारी पढ़ाई और सामग्री के लिए, और तुम जब तक पढ़ोगे तब तक तुमको ये वजीफा मिलेगा। उसके बाद वो वहाँ के पिराणी उस समय एजुकेशन का राजस्थान में बहुत बड़ा सेंटर था, वहाँ गए इंटरमीडिएट वहाँ की, तो वहाँ भी टॉप किया।
बिरला जी भी बुला करके उस बच्चे को उसी तरह से 10 रुपये अपनी तरफ से 250 रुपया एक साथ दिया और उनकी शिक्षा आगे चलती है ना। उसके बाद वो जब इंटरमीडिएट करके गए तो फिर कानपुर गए। कानपुर में भंडारी जी का उनका भी योग मिला। भंडारी जी भी हमारे यहाँ इंटरमीडिएट की व्यवस्था थी, इससे आगे पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी उसी कॉलेज में, वहाँ दोनों साथ गए। ईश्वर योग था कि संघ के प्रचारकों की निगाह इन दोनों हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर पड़ी और हमारे उस समय के प्रचारकों का हमेशा ये निगाह लगी रहती थी कि कौन बच्चा कहाँ मुझे अच्छा मिलेगा। अपने जैसे नहीं है कि जो आ गया उसको भर्ती कर दिया, उसको टेस्ट कर करके एक एक व्यक्ति को छांट करके निकाल के लाना और उसको प्रयत्न करके उसको उस विचारधारा में डालने का प्रयास करना। तो मैं सोचता हूँ उस समय जो वहाँ के कानपुर में संघ का काम करते थे भावराव देश, उस समय प्रांत प्रचारक के रूप में काम करते थे, उनका भी प्रवास होता था, इन बच्चों पर उनकी निगाह पड़ी, उनको वो अपनी शाखा पर ले गए और विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया। 1937 में उनका प्रथम वर्ष हुआ। तो संघ के उस समय के जो संस्थापक है डॉक्टर हेड गेवार, उनसे भी उनका मिलने का सौभाग्य मिला, विचारों से परिपक्व हुआ। और उसी समय 1940 में इस मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र की थ्योरी को प्रस्ताव पास किया मुस्लिम लीग ने, इसका मतलब देश का टुकड़ा होना ही है। इसके कारण से उनके मन में और अपने विचारों के प्रति दृढ़ता आई और दृढ़ता आने के बाद 42 में जब वो तिथि वर्ष करने गए संघ का, तब उन्होंने पूजनीय गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं भी इस विचारधारा के लिए अपना सारा समय देकर काम करना चाहता हूँ। और उसके पहले उसने आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA PBS कर लिया था, टॉप था। मामा की लड़की बीमार हो गई और इसके कारण से अपनी पढ़ाई को छोड़कर पहले मामा की बहन को बचाने का प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली। उसके बाद उनका MA फाइनल हुआ ही, पर नाना की और मामा के परिवार के बहुत आग्रह था तो IAS की परीक्षा दी। उन्होंने कहा आपका आग्रह तो देता हूँ, IAS पास कर। इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट होने के बाद तो निश्चित रूप से नौकरी लग गई थी। उनका आग्रह था नौकरी करो, उन्होंने आपने जो जो कहा वो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा मन का निश्चय कुछ दूसरा ही है। मैं अपने जीवन का उपयोग देश के इस राष्ट्रीय कार्य में जिससे मुझे संघ ने जोड़ा है और हजारों लोग इसमें लग करके जिस प्रकार के इस महान देश की महान संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं उसी में अपना काम और समय दूंगा। फिर वो निकल गए घर से और पहली बार वो लखीमपुर जिला में प्रचारक बने। 3 साल तक वहाँ प्रचारक रहे। वहाँ की घटना मैंने आपको सुनाई है। उन्होंने कहा जब अपने को इस नौकरी और इसी लालच में जाना ही नहीं है तो उन्होंने सारी अटैची उतरा करके अपने सहयोगियों को कहा उतार भी ऐसे से कागज छांट दे, जो कागज उनके उपयोगी थे वो अलग कर दिए और उनका डिग्री को आग लगा दी। तो उनका क्या पागल हो गए, ये आपकी टॉप डिग्रियां हैं जिसमें आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इनको जलाने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है उसमें मोह रखने का कोई अर्थ ही नहीं है और जला दी। इसका मतलब निश्चय कितना मजबूत था, जिस रास्ते के आधार पर चलना है, जिसके आधार पर देश का निर्माण करना है, इसलिए ये सब व्यक्तिगत जीवन की जो महत्वाकांक्षा है इनको जला देना ही उचित होगा और उसे जला दी। कुछ ही साल बाद वो भी सह प्रांत प्रचारक उत्तर प्रदेश के बने और सह प्रांत प्रचारक उत्तर प्रदेश के बने भवराव देवव्रत के साथ काम करने लगे। तो भवराज ने एक बार प्रांतीय बैठक में एक इच्छा जाहिर की कि छोटे छोटे जो बच्चे अपने संघ की शाखा पर आते हैं इनके लिए कोई साहित्य या इनके लिए कोई कहानियां इस प्रकार की बने जिससे ये बच्चे पढ़ करके और इनके मन में काम करने की प्रेरणा जगे और अपने महापुरुषों के बारे में सही जानकारी इन बच्चों को मिले। ये बैठक में उन्होंने शाम को कहा। दीनदयाल जी राजभर जग करके सम्राट चंद्रगुप्त नाम की एक पुस्तक पहली पब्लिश उन्होंने निकाल दी, उसका पूरा डॉक्यूमेंट बना करके, और भवराज जी मैंने रात को
आपकी इच्छा के अनुसार ये कुछ बनाने का प्रयास किया, आप इसको देखो। उन्होंने पढ़ करके वो चकित रह गए, ये क्या चीज है। इसने एक तरह से वास्तव में चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन के आधार पर देश निर्माण और सही रास्ता क्या है इसको अपनी आने वाली पीढ़ी को समझा दिया। जब ये पहली पुस्तक पब्लिश हुई उसके बाद अवरा ने कहा एक और काम करो तुम, एक ये जो यूथ आता है इस यूथ को भी कोई तो भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर दो जिससे ये यूथ पढ़ करके प्रेरित होकर के काम में लगे। तब ये शंकराचार्य का नाम का पहला ग्रंथ उन्होंने निकाला। दो ग्रंथ उनके ऐसे निकले जो आने वाली पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना है इसका आधारभूत बना करके उन्होंने। वैसे उनकी लेखन शक्ति बहुत जबरदस्त थी और उसके कारण से आपने देखा होगा कि उन्होंने कई, जब पहला जनसंघ का अधिवेशन हुआ था कानपुर में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, 15 प्रस्ताव तैयार किए थे। उस 15 में से 8 प्रस्ताव अकेले दीनदयाल जी ने तैयार किए, 15 में से 8। उस 8 प्रस्ताव में से जब उन्होंने देश के बारे में, राष्ट्र क्या है और इसके बारे में क्या है, जब उसको प्रस्ताव पढ़ा, तो प्रस्ताव पढ़ने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं भी बहुत ही प्रतिभावान संपन्न था। 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान में आज दिन तक कोई भाई चांता नहीं बना, इतनी प्रतिभा का धनी था। लेकिन जब उन्होंने सुना और प्रस्ताव को जब देखा तो वो हिल गए, वो दोबारा खड़े हुए। उन्होंने कहा आज दीनदयाल ने जो प्रस्ताव रखा है मैं गुरुजी से कोशिश करूंगा कि अगर मुझे ऐसे 2 दीनदयाल और दे दे तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा बदल करके रखूं। वैचारिक दृष्टि से कोई और कोई दृष्टि नहीं है कि व्यक्ति को मानसिक खुराक जब तक नहीं मिलती है तब तक उसके काम करने की जागृति नहीं होती। ये जो भंडारी जी और ये सारे लोग हैं प्रारंभिक, इन सब लोगों ने अपना जवानी दाव पर लगाई। उस समय न तो किसी को पता था कि हम कोई प्रधानमंत्री बनेंगे या MLA बनेंगे, उस समय किसी को पता नहीं था। और नानाजी देशमुख और ये साथ वहाँ आगरा में पढ़ते थे, जब MA में अंग्रेजी में कर रहे थे, नानाजी के साथ थे। मतलब आदमी के अंदर कौन सा गुण कब कहाँ आगे बढ़ता है ये दिखाई देता है। नानाजी और दोनों हाथे रोटी बनाते थे, ऐसे थे सब्जी लेने गए, एक माँ के यहाँ से सब्जी लेके आए 2 पैसे की, उसमें 2 पैसे ही बचे, तो इनके पास पैसे थे 2 पैसे दे दिए। आगे आए तो इन्होंने वापस जेब में हाथ डाला तो वो जो 4 पैसे थे उसमें से 1 छोटा पैसा वो उस सब्जी वाले को दे दिया। उनका नाना जी यार बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या हुआ कि मैंने उस माँ को खोटा सिक्का दे दिया, तो दे दिया होगा चलो, पर नहीं वापस गए और उस माँ को कहा कि माँ मैंने गलती से तुमको एक खोटा सिक्का दे दिया। तो उनका बेटा यार अब इतने सिक्के में कहाँ ढूंढना होगा है, उनका नहीं तो उसने नहीं, फिर उन्होंने स्वयं ने उसमें से सारे सिक्के ढूंढे, भीन करके अपना खोटा सिक्का निकाला, वो जेब में रखा और दूसरा सिक्का डाल दिया। उस बूढ़ी माँ ने कहा तू पहला व्यक्ति है, मैं भी इतने सालों से सब्जी बेचती हूँ पर तू जैसे व्यक्ति का मैंने अब तक कोई देखा नहीं, भगवान तेरा भला करे। अब ये उस समय पढ़ते, मतलब इस व्यक्ति ने ईश्वर ने भी पैदा किया और संगत को साथ जोड़ा और संस्कार को और मजबूत करने का प्रयास किया। और आपने देखा होगा कि ये जो अपन जिसके बारे में रोज करते हैं ना, ये जो मानव अधिकार एकात्म मानववाद, ये 64 में उन्होंने बनाया और एकात्म मानववाद की थीम को देख करके कम्युनिस्टों का जमीन हिल गई। क्या लिखा है, अगर ये बात आगे बढ़ गई तो ये राष्ट्र को जोड़ते हुए हमारे तो कबर बना देगा। और इसलिए 64 से ही वो कम्युनिस्ट विचारधारा से टकराव आ गया और टकराव आने के बाद जब एकात्म मानववाद का सिद्धांत भारतीय जनसंघ ने लेकर के जब आगे बढ़े और वो अधिवेशन था जिसमें इनको पहले हम हमेशा दूसरे लोगों को ला करके अध्यक्ष बना करके पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। हमने जो है जम्मू कश्मीर में प्रेमनाथ डोगरा जी को अध्यक्ष बनाया, हमने कई ऐसे डॉक्टर रघुवीर को बनाया, हर तरह से प्रयोग करते रहे जनसंघ को आगे बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए।
और पहली बार पार्टी ने सोचा कि अगली बार पंडित दीनदयाल जी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया। पंडित जी का मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ, पर सबका जैसा संघ का विचार था कि नहीं बनना आपको ही चाहिए, तय हो गया। और अधिवेशन भी तय हुआ कहाँ, कालीकट, जहाँ आज भी अपना कोई MLA नहीं बन पाता है। आज भी अपना पिछली बार एक खाता खुला, एक का, बाकी कभी खाता ही नहीं खुला, MLA का ही खाता नहीं खुला। पर निर्णय किया क्यों, क्योंकि प्रारंभ से लेकर 52 से लेकर कम्युनिस्टों का वहाँ सरकारें बनती रही। दो स्टेट कम्युनिस्टों ने बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी, एक बंगाल पकड़ा हुआ था और एक आपका केरल पकड़ा हुआ था, पांडिचेरी भी उसके साथ थी। तो इस विचारधारा को एक तरह से ध्यान में रख कर के ही अधिवेशन की रचना की। पहले तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, बाद में उनको लगा कि यार ये अध्यक्ष तो दीनदयाल जी बन रहे हैं तो ये तो हमारी कब्र खोदने का आएगा यहाँ पर, और यहाँ अगर केरल में ही इनको अधिवेशन करने देंगे तो ये तो उन्होंने ना लिख दिया। उस समय सब राशनिंग था, हर सामान का अनाज भी मिलता था, राशन से मिलता था उसे। उन्होंने कह दिया भाई हमारे यहाँ अब न तो आपको कोई राशन पानी मिलेगा, न कोई चीज मिलेगी, और इसलिए आप अधिवेशन यहाँ मत करो। पंडित जी की जैसा आदत थी, हम लोग तो आमने सामने बैठे हैं, जैसे आप और हम बैठे हैं, हमारा सौभाग्य था कि हम 63 से लेकर के लगातार उनको हर साल NSL शिक्षा वर्ग में देखते थे, सुनते थे। वो सबको लेकर बैठे कि क्या करें अधिवेशन, अब कालीकट में तो सब व्यवस्था के लिए ना कर दिया, तो हर एक ने अलग कर दिया अपने। लखनऊ में अपना नगर निगम है, वहाँ करो कला का, वहाँ करो सब सुना उन्होंने। उनकी आदत थी, वो जब कभी भी गहराई से विचार करते थे तो अपने दोनों पैरों में अपना माथा लगा दिया और अंदर मुंह से देखते रहते थे, सोचते रहते थे। चाहे वो भंडारी की हो, चाहे कोई स्त्री हो, सारे जगन्नाथ दास जोशी से लेकर सब सड़क को ही सोए हैं और सड़क को ही जो है ना जो कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं, और 3 दिन का अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया। लगा यार ये तो कोई थोड़ी अजीब शक्ति है भाई, और इसके कारण से उनके दिमाग में आया। और एक दिन जब वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, तो मुगल सराय पर उनकी बॉडी में एक 5 रुपये का नोट हाथ में पकड़ा करके उनकी बॉडी को लाइन के बाजू में रख दिया था, ये साबित करने के लिए कि चाय पीने उतरे थे और इसलिए उनको लग गई होगी, मतलब उनकी हत्या हो गई। जो भी उनका साथ में यात्रा कर रहा था या जो भी षड्यंत्र होगा, लेकिन उस षड्यंत्र का पता नहीं लगा। ये सारी बात मैंने क्यों सुनाई आपको कि हम किसी मिशन के लिए चले, अगर हमारे दिमाग से ये बात निकल जाएगी ना तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। और मिशन को प्राप्त करने के लिए जीवन का कितना बलिदान होगा, कितना कष्ट होगा, वो सब झेलना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर हमको उस मिशन की प्राप्ति करनी। इस व्यक्ति के दिमाग में ये था, 51-52 वर्ष की उम्र में चला गया, हम में से अधिकांश यहाँ बैठे हैं सब उस उम्र को पार कर गए होंगे। इस छोटी उम्र में भी अपनी क्षमता से संगठन को जितने जिस प्रकार से खींचा है, जिस सादगी से खींचा है ना, जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने संयमित और अनुशासित किया है, और उसके कारण से टीम को तैयार कर पाया। ये जो हजारों कार्यकर्ता आज इस विचारधारा के लिए अपने आप को खड़पा करके बैठे हैं, इसके पीछे ये नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरा नंबर MLA में भी आएगा नहीं आएगा, महापौर में भी आएगा नहीं, मैं पार्षद भी बनूंगा या नहीं बनूंगा। हम कुछ ही सोच के साथ आगे निकले हैं, कुछ विचार करके आगे निकले हैं, और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि कभी कभी अपने दिमाग में लत्ती मारने का धंधा आता है ना, इसको एक तरफ, बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने है और देश इस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति में आकर खड़ा हो गया। इस समय BJP नरेंद्र मोदी वर्सेज ऑल है, रोजाना जितनी भी डिबेट होती है उस समय आप सुन रहे हो, कर रहे हो जिस प्रकार से भी। अब ऐसे समय में अगर हमारी पार्टी में कहीं कमजोरी आ गई तो हमारा ये बनता हुआ महल ढह जाएगा ना, जो इतने कार्यकर्ताओं ने इतने वर्षों तक अपने आप को खपाया, परिवारों को छोड़ा, ऐसे सन्यासी का जीवन जिया, घूम घूम करके इस विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया, एक संगठन के आधार पर व्यक्ति का निर्माण करने का जो काम किया, अगर अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सफलता का राज क्या था, उनका व्यक्तिगत जीवन भी सफलता का राज था। उनकी वाणी में अगर सरस्वती बोलती थी तो वो ईश्वर की ताकत बुलाती थी उसको, और आज नरेंद्र मोदी भी बोलता है तो हमने तो सामने साथ काम किया, पर ये विलक्षण प्रतिभा उनमें कहाँ से आ रही है,
इसका मतलब कोई न कोई आदर्श शक्ति उसको पीछे से मदद कर रही है, जिसके कारण से आगे का भारत कैसा बनना है उसको बनाने के लिए वो उस योजना को आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसे समय में हम छोटी छोटी बातों के लिए, मुझे महापौर नहीं बनाया, मुझे उपमहापौर क्यों बना दिया, मुझे MLA में सीट क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दे दिया, मेरे को इसे क्या और के कारण से माथे फोड़ रहे हूँ, तो उस माथे फोड़ने से यात्रा अधूरी रह जाएगी, यात्रा में देरी हो जाएगी, जो चीज हमें प्राप्त करना है उसमें विलंब हो जाएगा। इस विलंब करने के लिए जो हम जिस प्रकार का सोच रखते हैं, मैं आज इस जयंती के अवसर पर आप सबसे प्रणाम करके आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर ने तुम्हें और मुझे भाग्यशाली ऐसे संगठन से जोड़ दिया है जिस संगठन का अपना करैक्टर है, जिस संगठन का अपना जीवन है, जीने का उद्देश्य है, काम करने के पीछे कोई मंशा है, कोई तड़पन है, उस तड़पन को साकार करने के लिए ईश्वर ने योग से आपको और हमको सबको इस लाइन में मिला दिया। ऐसे समय में अगर हमारे मन में कहीं डावाडोल आता है तो संगठन का नुकसान होता है। और जैसा मैंने कहा ना, कबड्डी का पाला के 1 वर्सेज ऑल होगा, सामने सब पार्टी के खिलाड़ी होंगे और अकेले खिलाड़ी होंगे, उस अकेले खिलाड़ी के समय में सामने वाली टीम को जब हराना है ना, तो उतना ही दंड बैठक पहल करके अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, अपने विचारों को तैयार करना पड़ेगा, अपने चाल चलन को तैयार करना पड़ेगा, अपन जीवन का हर स्टेप उस दिशा में ऐसी मजबूती से जाएगा, तब जाकर के हम इन सारों से मुकाबला कर पाएंगे। ये सब तो देश को एक तरह से नष्ट करने पर तुले हुए हैं। और अगर वास्तव में दीनदयाल जी के जीवन में भी परिवर्तन, या भंडारी जी ने भी घर छोड़ा तो विचारधारा के लिए छोड़ा, विचारधारा का मतलब ये जो तुष्टिकरण वाला देश बन रहा था, और जो दो छोरी की देश लेकर देश का जो बंटवारा करके जिस प्रकार से नरसंहार सब लोगों ने देखा है, उजड़ते हुए घरों को देखा है, माँ बहनों की इज्जत जाते हुए देखा है, और आज भी इस प्रकार के दुष्ट लोग इस धरती पर रहते हैं, और ये पॉपुलर फ्रंट का जो मामला आया ना, उसने आपको सबकी हमारी आंखें खोल दी होगी कि किस प्रकार ये कन्हैयालाल की हत्या नहीं थी, एक तरह से एक विचारधारा को चोट करने का मानस था, और विचारधारा को जब चोट हुई है उस समय अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो मुकाबला कैसे होगा। मुकाबला तो बहुत तगड़ा है और किसी भी परिस्थिति में कहीं भी घूम सकता है। ऐसे समय में हम अपने दिल और दिमाग से तैयार नहीं होंगे। हम इस पार्टी का काम करते हैं तो कोई इस पार्टी पे और देश पे एहसान नहीं करते हैं, आपका मेरा दायित्व है। जिस धरती ने आपको और मुझे पाला रोटी खिला के बड़ा किया है, योग्य बनाया, काबिल बनाया है, उस धरती की सेवा नहीं कर सके, और भारत जैसा देश अगर ये नष्ट हो गया ना, तो मानवता नष्ट हो जाएगी। दुनिया में मानवता अगर कहीं जिंदी है तो हिंदुस्तान में जिंदा है मानवता। ये मानवता का एकमात्र जगह बची है जो कभी भविष्य में दुनिया को शांति का रास्ता देगी, उस रास्ते को कमजोर हो जाएगा तो हम और आप क्या करेंगे। अगर कल हमारा ये जो उजड़ता हुआ सारा दिखेगा तो आप अपने बच्चों को लेके जाओगे कहाँ, हिंद महासागर के अलावा कोई जगह बची है। हम इतने खींचे टूटते टूटते इतने से में आ गए, सारा इतना बड़ा अखंड भारत देश था वो आज एक थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, और अगर ये भी हम नहीं बचा पाए तो हमारी ये महान संस्कृति कहाँ जाएगी, फिर हमारे ये जीव और जीने का आदर्श कहाँ जाएगा, फिर हमारे ये जो माँ बहनों को देखने की निगाह कहाँ जाएगी, फिर हमने माताओं को पूजने का जो सोचा है। अरे ये केवल आपने देखा होगा महाभारत द्रौपदी के चीर हरण को लेकर के और दुष्टों को नष्ट करने के लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ, तो किसी उद्देश्य के लिए है ये देश, ये किसी काम के लिए है। अब इसको तैयार करने के लिए अभी तो आपको कहीं नहीं घर छोड़ो, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी कहना पड़ेगा कि बंद करो ये दुकानें वुकानें, 2 साल तक नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन अब की बार मुकाबला जम करके होगा, और जम करके होगा, और देश को बचाने के लिए जिस सीमा तक भी जा करके अपने आप का उत्सर्ग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आने वाली औलाद अपनी शांति से और सुरक्षित रहे, इसके लिए हमको ये करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। और इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, अपना विकास करो, है ना। अगर वो भी आदमी बना तो एक दिन में नहीं बना, उसने भी कुछ पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ तरीका, कुछ ईश्वर देता है, कुछ वो समझता है। हम भी अपने आप को तैयार करें ना, जब कभी भी हम कहीं भी बोलने जाए तो कोशिश करें ना पहले तैयारी करके जाए, मुझे क्या बोलना है, मेरे इस कार्यकर्ता के मानसिक में कौन सी खुराक डालना है जिसके कारण से इसका मन मजबूत होकर के संगठन के लिए काम करने की इसकी मनोच्छा बने, इस काम के लिए हम सब प्रयत्न करते। मैं सोचता हूँ आज ये जो जन्म जयंती मना रहे हैं उस महापुरुष की मना रहे हैं, जिस महापुरुष ने अपनी छोटी उम्र में न MLA बना, न
प्रधानमंत्री बना न मुख्यमंत्री बना, लेकिन आज भी वो आपको और मेरे दिलों में राज करता है, तो उसके श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ गुणों के कारण से करता है। व्यक्ति बाहर इस कारण से बनता है, मैं सोचता हूँ विचार करिए, और विचार करके हमारे मन में आपस में जो कुछ भी छोटी मोटी कटुता आती है, एक दूसरे को उठा पटक करने की जो मंशा बनती है, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने का जो संकल्प है, इसको एक तिलांजलि दो। छोटी सी जिंदगी अगर चले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा यार कब उठा देगा वो, कम से कम जो कुछ है उसमें कुछ करने का संकल्प दे करके और सामूहिकता की ताकत बना करके इस संघर्ष में हमको विजय हासिल करनी है। बाकी तो ऊपर वाला मदद कर रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री दुनिया में जहाँ जाता है ना, वहाँ अपनी छाप छोड़ करके आता है। ये ताकत किसने पैदा की? ये उस ईश्वरी शक्ति ने पीछे से ताकत दे रहा है उस व्यक्ति को कि उसका हर लाइन जो भी वो उठाता है उसमें विजयश्री मिलती है। तो विजयश्री देने वाला तो कोई दूसरा है, हम तो प्रयत्न करने वाले लोग हैं। हम प्रयत्न करें और पूरे मन से करें, पूरे अब तक जो कुछ रहा कुएं में डालो, हो गया खत्म करो, लेकिन आगे बढ़ना है और आगे चुनौती को स्वीकार करके। और लोकतंत्र ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारी सरकार नहीं आती तो क्या 370 छोड़ देते? अगर हमारी सरकार नहीं आती तो राम मंदिर बन जाता? अगर हमारी सरकार नहीं आता तो गरीब को इतने सुविधा संपन्न बनाया जा सकता था? भ्रष्टाचार की भट्टी में राजनीति जल रही है, उसको निकालने का प्रयत्न किसी आदमी ने किया तो आपकी सरकार बनने के कारण से किया ना, आपकी नीतियों के कारण से विकास आगे जाएगा। अगर आप स्वयं ही ठीक नहीं हो तो विकास को लूट खाओगे, लूट खाने से अपनी औलाद तो प्रसन्न हो जाएगी पर देश बर्बाद हो जाएगा। इस बम बातों को चुनौती रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और करके हमको अपनी सोचने का मन मानस बदलना पड़ेगा। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कुएं में डाल, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर मैं इस देश को बचाने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी को जितना आगे बढ़ा सकता हूँ, जितना अच्छा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूंगा। सफलता ईश्वर देगा ऐसा मेरा विश्वास है। और हम जिस महामानव की आज जयंती मनाने यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से उसका भी हाथ हमारे ऊपर रहेगा। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो मैं सोचते हूँ सब अदृश्य शक्ति हमारी मदद करती है, हमें काम में सफलता मिलती है। धन्यवाद। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि हुए। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती ग्लानि होती है, पापाचार बढ़ता चर्चा अन्याचार बढ़ता है, तब तो मैं जन्म लेता हूँ। 1914 में प्रथम युद्ध हुआ, 1919 तक चला और उन्हीं दिनों में भगवान एक दैविक शक्ति को जन्म दिया जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय है। 1916 में उनका जन्म हुआ और 1952 में 51.5 साल की उम्र में वो देवगत हुए। मुझे बहुत सौभाग्य है कि सनवाड़ में सन 1962 में जब भाई साहब संपत्ति लाल जी भोला चुनाव लड़ रहे थे तो वो सनवाड़ पधारे, मैं भी उनके साथ था, चित्तौड़ में पढ़ता था, चित्तौड़ में उनके साथ खाना बना करके भी खिलाने का काम पड़ा। मदन जी मुंडा और मैंने उनकी गाड़ी के धक्के भी दिए, मतलब गाड़ी चल नहीं रही थी, लैंड रोवर थी मदन जी की, तो दरबारी काटा में रुक गई, तो मान ने दीनदयाल जी ने भी लांगे चढ़ाई, मैंने भी, और उन्होंने सब ने धक्के दिए उस गाड़ी को लाए। मेरा मतलब ये है कि दीनदयाल जी कितने साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी धोती फट गई चित्तौड़ में तो मैंने कहा लाओ मैं टांके लगा देता हूँ आपके, तो नहीं नहीं मैं करूँगा, मैंने कहा मैं दूसरी ले आता हूँ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। मेरा मतलब ये है कि किस प्रकार की सादगी का उनका जीवन था। 1962-61 से लगातार निरंतर जब तक वे देवलत नहीं हुए तब तक हर वर्ष ओटीसी में मैं आदरणीय गुलाब सिंह भाई साहब जाया करते थे, तो 3 दिन का उनका बौद्धिक और विभिन्न कार्यक्रमों में उनके बौद्धिक सुनने का अवसर मिला। मैं ये समझता हूँ, मैंने एक बार उनसे प्रश्न भी किया 62 में गुलाब जी भाई साहब तो नहीं थे, पर मैं 62 में प्रथम वर्ष में था, तब उनसे कहा आप कहते हैं कि ये कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। जहाँ आयरन कर्टन हो, रूस में आयरन कर्टन, चीन में आयरन कर्टन, जहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कोई डेमोक्रेसी का सवाल ही नहीं, तो ये पार्टियाँ कैसे खत्म हो जाएगी? और हमने देखा उन्होंने जो बताया वो सही बताया कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ताश के पत्ते की तरह खत्म हो गई, नहीं रही। मैं उनको उस समय कई प्रश्न किए, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ तो तुम सुन लो,
ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और ये सही हुआ, मैं बहुत अधिक बात नहीं कहना चाहता। 1969 में जब मैं त्रिवेंद्रम जेल में गया था तो जिस कालीकट में वो पदारे थे, जहाँ से वो अध्यक्ष बने, और उसके बाद कमिश्नर ने मुगल सराय में मेरा तो बड़ा आरोप है, ये भले ही तारा सिंह जी कहे नहीं कहे, पर कम्युनिस्टों ने उनको मारा, उनकी बढ़ती हुई प्रतिभा को देख करके मारा, और ये सोच लिया कि आइंदा ये आदमी रह गया तो वो चेरेवेती करते 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 हमारे को चढ़ा करके छोड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और हमको खत्म कर देगा। और इसीलिए मुगल सराय पर 11 फरवरी 1968 को उनका देहावसान हो गया। हम लोग भाई साहब में भी ला फाइनल में था, भाई साहब MA कर रहे थे ज्योग्राफी में, और बीएड में आगे थे, तो उस समय जितने हम रोए होंगे, शायद कोई रोया होगा, इतना महान व्यक्तित्व हमें इतना साथ रहे, और एक साधारण से व्यक्तियों ने केवल उनकी एक जो आकांक्षा थी कि हिंदुस्तान को एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, एक संपूर्ण क्रांति वाला देश बनाऊंगा, उस बात को उन्होंने सहन नहीं किया, और उसके बाद उनका मर्डर हो गया, आज तक वो गुत्थी सूझी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दें, और हमारा जो अतीत है उसको कभी नहीं भूलें। बहुत मेहनत करके भंडारी जी ने, अटल जी ने, माननीय कुशाभाऊ जी ने, माननीय अडवाणी जी ने, और माननीय दीनदयाल जी ने जो मेहनत की है उसको कोई स्थानीय नहीं है, और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है।